आज हम बनाएंगे चिकन शनवारी। बहुत आसान और मजे की रेसिपी है। और अब करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले लेंगे कढ़ाई, उसमें डालूंगी ऑयल। उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर बारीक कटी हुई प्याज, वो तकरीबन मैंने दरमियानी साइज की दो ले ली थी, वो बारीक काट लिया। अब इसको फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। ये प्याज जो है वो गोल्डन हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब इसके बाद इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ लहसुन और अदरक का पेस्ट, ये तकरीबन मैं ले लूंगी बड़े दो चम्मच है। और इसको भी हम अच्छा सा फ्राई करेंगे। चिकन जो है मैंने तकरीबन आधा किलो लिया है, अब इसको हम अच्छा सा फ्राई करेंगे। नीचे और दो टमाटर लिए हैं बड़े मैंने, इसको दो पीसेस में काट लिए। और अब थोड़ा सा पानी डाल दूंगी इसके अंदर, ज्यादा नहीं थोड़ा सा डालना है। और इसको दम पर रख देंगे। चिकन को हमने 5 मिनट रखा था दम पर, आप देख सकते हैं। इसको अब हम थोड़ी देर इसमें चम्मच चलाएंगे, बाद में ये आपको दिखा दूंगी। अब हमने थोड़े थोड़े करके इसके अंदर मसाले डालने हैं। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च, और उसके बाद डालूंगी इसके अंदर मैं काली मिर्च। हल्दी पाउडर, नमक 1/2 टेबल स्पून। अब इसको मैं भून लूंगी, इसका जो पानी है वो कुछ कर लूंगी मैं चिकन का। ये चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया, ये आप देख सकते हैं। और लास्ट में जाएगा इसके अंदर कुटा हुआ सूखा धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, या 1/2 टेबल स्पून है और लूंगी मैं। जी हमारा जो मज़ेदार का चिकन शनवारी है वो बिल्कुल तैयार है, ये आप देख सकते हैं। और आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।